आज हम आपको ये ऑक्स लीड है आपकी, देख रहे हैं आप, इस लीड को आप अपने आप कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए लीड, ठीक है, इस ऑक्स लीड को, इस ऑक्स लीड को बनाने के लिए आपको ये दो सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे ये दो सॉकेट हैं, ऐसे आपको ये दो सॉकेट, ये भी आपके मेल सॉकेट है, ये भी मेल सॉकेट है, ये देखिए आप, ये दो मेल सॉकेट हैं, इस दो की सॉकेट पड़ेगी। और इसके साथ साथ बस आपको एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ये वायर। आप जितनी लंबी लीड बनाना चाहते हैं आप इतनी लंबी लीड इसमें बना सकते हैं, ठीक है, मगर ये ज़्यादा लीड लंबी नहीं होनी चाहिए, देखिएगा, ये इसकी आप वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अब इस वायर में आपकी जो वायर है उसमें कितनी वायर चाहिए, तो ये जो डिपेंड करता है आपका, ये सॉकेट पर डिपेंड करता है। देखिएगा इसमें ये तीन कट हैं, एक दो तीन, तीन कट है ना, इसका मतलब इसमें तीन वायर यूज की जाएंगी, इसलिए इस वायर की जो इंटरनल वायर होती है यानी अंदर वायर जो होनी चाहिए वो तीन वायर होनी चाहिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें भी आपकी ये तीन वायर है, ये देखिए तीन वायर है, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक आपकी सील्ड वायर है। ये सील्ड वायर जो आपकी ग्राउंड में यूज की जाती है, ठीक है, और इतनी ही ऐसी ही आपकी ये दूसरे सिरे पर, इसकी तीन वायर होंगी, ये तीन वायर है ना। अब इस सॉकेट में इन तीनों वायर का कैसे यूज किया जाएगा, कैसे आपको इनके अंदर लगानी है, क्यों, क्योंकि ये सॉकेट जो होते हैं आपके ये खुल जाते हैं अंदर से, ठीक है, ये आप इसे खोल सकते हैं, ये देखिए ये खुल गया सॉकेट, और इसके अंदर ये पोर्ट होते हैं, ये देख रहे हैं ये सॉकेट आपका खुल चुका है, और इसमें भी आपके ये तीन पॉइंट है, ये ठीक है, ये तीन पॉइंट है। ऐसे ही आपका दूसरा सॉकेट में भी आपका ये फोल्ड होता है, आप इसे आसानी से खोल सकते हैं, ये देखिए ये खोल लिया, और इसमें भी आपके ये तीन जैक दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और इन्हीं जैकों में आपको इन वायरों को कनेक्ट करना होता है। और ये वायर आप कैसे कनेक्ट करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा, आपको होल्डर इसमें डाल लीजिएगा, और होल्डर डालने के बाद आप इसमें ये रेड वायर जो है आपकी, जो आपकी बीच वाले पॉइंट पर लगा लिए, इस पर स्लिप लगा लीजिएगा ताकि आपकी ये टच ना हो, इस तरीके से, हाँ ले लो इसे, रेड वायर वाली आप जो बीच वाले पॉइंट पे सोल्ड कर दीजिएगा, और ये ब्लैक पॉइंट जो है, ब्लैक वायर आप सीख लो, काम मार डर देख तो ही तो कह रहा है सीख लो, और ब्लैक वायर आप यहाँ सोल्ड कर दीजिएगा, और जिस और जो आपकी सील्ड वायर है वो आपकी एक ग्राउंड होती है, और आप इसमें सील्ड वायर आप बाहर वाले पोल पे यहाँ सोल्ड कर दीजिएगा, और ये और आप इसका ये सॉकेट जो इसके ऊपर इस प्रकार से चढ़ा दीजिए, अभी आपका दूसरा, यह आपका दूसरा सॉकेट है, इस सॉकेट में भी आपको वायर वैसे ही लगानी होती है जैसे कि आपकी फर्स्ट सॉकेट में लगाई थी। इससे पहले आप इसमें एक ये आपको होल्डर इसमें डाल लीजिएगा, और होल्डर डालने के बाद आप इसमें ये रेड वायर जो है आपकी, जो आपकी बीच वाले पॉइंट पर लगानी है, इस पर स्लिप लगा लीजिएगा ताकि आपकी ये टच ना हो,
ये किस तरीके से। रेड वायर वाली आप जो बीच वाले पॉइंट पे सोल्ड कर दीजिएगा, और ये ब्लैक पॉइंट जो है ब्लैक वायर आप काम डर देख तो ही तो कह रहा है सीख ले, और ब्लैक वायर आप यहाँ सोल्ड कर दीजिएगा। और जिस और जो आपकी सील्ड वायर है वो आपकी ये ग्राउंड होती है, और आप इसमें सील्ड वायर आप बाहर वाले पोल पे यहाँ सोल्ड कर दीजिएगा। और ये और आप इसका ये सॉकेट जो इसके ऊपर इस प्रकार से चढ़ा दीजिए। इस प्रकार आपके दोनों सॉकेट बनके तैयार हो चुके हैं, और ये आपकी ऑक्सीलीड बनके तैयार हो चुकी है। ऑक्सीलीड को जो आप मोबाइल से वूफर को, और वूफर से एलईडी को, और एलईडी से मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इस एलईडी से वूफर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी ऑडियो लीड होती है ताकि आपकी ऑडियो ठीक प्रकार से आ सके।